नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिश्री के औषधीय फायदों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिश्री जिसे अंग्रेजी में रॉक शुगर कहते हैं, ये चीनी का एक अपरिष्कृत यानी कि अनरिफाइंड रूप है। इसका उपयोग खाने और औषधीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। शुगर की तुलना में मिश्री कम मीठी होती है। मिश्री गन्ने के रस और ताड़ के पेड़ के रस से तैयार की जाती है। ये कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मिश्री विटामिन, खनिजों और एमिनो एसिड में भरपूर होती है। विटामिन B12 ज़्यादातर दोस्तों मांसाहारी भोजन में पाया जाता है, लेकिन यह काफ़ी अच्छी मात्रा में मिश्री में भी पाया जाता है, इसलिए ये और भी लाभकारी हो जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके फायदे। यदि आप भोजन करने के बाद ब्रश या कुल्ला नहीं करते हैं तो आपके मसूड़ों के अंदर बैक्टीरिया यानी कि सांसों की बदबू हो जाती है। जब आप भोजन के बाद ऐसी कंडीशन में मिश्री का सेवन करते हैं तो ये आपके मुंह की बदबू को ख़त्म करती है। ये मुंह और सांसों में ताजगी भरने में भी मदद करती है। खांसी में मिश्री लाभकारी होती है। जब आपको बुखार होता है तो उस दौरान खांसी होना स्वाभाविक है। ऐसे में मिश्री का उपयोग आप कर सकते हैं। मिश्री में औषधीय गुण होते हैं जो आपको खांसी से तुरंत मुक्त कर सकते हैं। अगर आपको लगातार खांसी हो रही है तो कुछ मिश्री लें और धीरे धीरे उसे मुंह में चूसें। ऐसा करने से आपको काफ़ी राहत मिलती है। मिश्री गले की खराश को भी दूर करती है। खास करके सर्दियों के मौसम में कई स्वास्थ्य समस्याएँ हो जाती है, जिनमें गले की खराश भी एक समस्या है। मिश्री गले के इलाज के लिए काफ़ी अच्छा उपचार होता है। मिश्री को काली मिर्च पाउडर और घी के साथ मिलाकर रात को इसका सेवन करते हैं तो गले की खराश खत्म हो जाती है। एनीमिया में भी मिश्री लाभकारी होती है। जिन लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी होती है वे लोग एनीमिया, पीली त्वचा, चक्कर आना, थकान, इससे जुड़ी समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। ऐसे में मिश्री हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाकर एनीमिया से बचाव करती है। इसके अलावा यह शरीर में रक्त परिसंचरण में भी सुधार करती है। मिश्री न केवल माउथ फ्रेशनर के रूप में प्रयोग किया जाता है बल्कि सौंफ के बीज के साथ पाचन में भी मदद करता है। इसके ये गुण तुरंत पाचन प्रक्रिया शुरू करते हैं, इसलिए अपच को रोकने के लिए भोजन के बाद मिश्री के कुछ टुकड़ों का सेवन करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, मिश्री खाने से एनर्जी की वृद्धि होती है। मिश्री नक्सिर में भी लाभकारी होती है। इसका सेवन करने से नक्सिर की समस्या खत्म हो जाती है। दिमाग के लिए भी मिश्री गुणकारी होती है। मिश्री को मस्तिष्क के लिए प्राकृतिक दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। मिश्री मेमोरी में सुधार और मानसिक थकान को दूर करने में मदद करती है। गर्म दूध में मिश्री मिलाएं और बिस्तर पर जाने से पहले इसका सेवन करते हैं तो ये याददाश्त में बढ़ोतरी करती है। इसी के साथ मिश्री का सेवन आंखों से चश्मा हटाता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, मोतियाबिंद में भी बहुत लाभकारी होता है। तो दोस्तों ये थे मिश्री के फायदे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।